दोस्तों, आसमान में चमकती हुई इन मिस्टीरियस लाइट्स को जरा ध्यान से देखिए। वेल, ये वीडियो है 12 सितंबर 2022 की, जब उत्तर प्रदेश के लोगों ने रात के आसमान में इन बेहद ही रहस्यमयी लाइट्स को देखा। ये स्ट्रेंज लाइट्स आसमान में एक अजीबोगरीब ट्रेन की तरह चलती हुई देखी गईं, और तब से ही सोशल मीडिया पर ये वीडियोस काफी वायरल होती जा रही हैं। कोई बोल रहा है कि एलियंस का यूएफओ है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का मानना ये भी है कि टूटते हुए तारे यानी मीटियोर्स हैं जो हमें आसमान में दिखाई दिए हैं। वेल, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश के आसमान में लाइट्स देखी गईं, तो लोगों ने अलग अलग बातें करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने इन्हें एलियंस का यूएफओ बताया, पर फ्रेंड्स, अगर हमें लाइट्स को ध्यान से देखें तो हमें इनमें कोई भी स्ट्रेंज मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि ये तो एक स्ट्रेट पाथ पर चल रही हैं, और इसी वजह से हम इन लाइट्स को यूएफओ भी कंसीडर नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने तो इसे स्टार्स का स्ट्रेंज फॉर्मेशन बताया है, पर गाइस, मैं आपको बता दूं कि स्टार का फॉर्मेशन कभी भी इस तरह से नहीं हो सकता, और अगर मान भी लें कि वो ऐसा फॉर्मेशन बनाने में कामयाब हो गए, तो हमें उनकी ब्राइटनेस में काफी डिफरेंस देखने को जरूर मिलता, और ये हमें ट्विंकलिंग यानी टिमटिमाते हुए नजर आते। तो गाइस, अब यहाँ ये सवाल आता है कि आखिर ये असल में क्या था। वेल, ये हमारे इलॉन भैया का कारनामा था। जी हाँ, इलॉन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट के अंडर ये लॉन्च की गई सैटेलाइट्स हैं। SpaceX ने फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से अपने फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से 34 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को 11 सितंबर यानी भारत के टाइम के अकॉर्डिंग 12 सितंबर को लॉन्च किया था। अब ये सैटेलाइट्स आम तौर पर धरती के लो अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हैं, और धरती से इनकी हाइट 550 किलोमीटर की होती है, जिसकी वजह से हमें काफी डिम दिखाई देती है, और इसीलिए हम इसे नहीं देख पाते। पर फ्रेंड्स, जब इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है, तो हम इसे एक या दो दिन तक आसमान में देख सकते हैं। गाइस, इलॉन मस्क अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के अंडर 42,000 सैटेलाइट को लॉन्च करके पूरी दुनिया के अराउंड सैटेलाइट इंटरनेट का एक कॉन्स्टेलेशन बनाना चाहते हैं, जिससे वो दुनिया के 40 देशों में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कर सकें। यानी कि स्टारलिंक की मदद से हम डायरेक्टली सैटेलाइट से इंटरनेट यूज कर पाएंगे, और इसकी रीच दुनिया के हर एक जगह पर होगी। मतलब आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहकर फास्ट इंटरनेट का यूज कर पाओगे, और आने वाले दिनों में स्टारलिंक इंडिया में भी अवेलेबल होने वाला है। अब दोस्तों, इलॉन मस्क 42,000 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च नहीं कर सकते, इसीलिए वो हर हफ्ते 30 से 50 सैटेलाइट को लॉन्च करते रहते हैं, और इसी वजह से हमें आए दिन दुनिया के अलग अलग जगहों में ऐसी लाइट देखने को मिलती रहती है। दोस्तों, ये सैटेलाइट हमारे लिए जितनी यूजफुल है, उतनी डेंजरस भी, क्योंकि कई वैज्ञानिकों के मुताबिक इतनी सारी सैटेलाइट को लॉन्च करने से स्पेस में कचरा काफी ज्यादा होता जा रहा है, जो कि फ्यूचर में हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि स्पेस में हमें इतनी सारी सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।